नमस्ते आदाब, आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बेग टीवी। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से। मामला औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बड़ी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में औराई पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस प्रताड़ना को लेकर लोग तरह तरह से एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। वीडियो में महिला अपनी पीड़ा बता रही है। वीडियो में यह बता रही है कि वह पुलिस औराई पुलिस द्वारा किस तरह प्रताड़ित की गई है। देखिए क्या है वायरल वीडियो में पूरा मामला। वारे योगी जी की भदोही पुलिस, प्रधान जी का नाश्ता क्या खाया कि इतनी ताकतवर हो गई योगी जी की भदोही पुलिस, कि इस गरीब परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी। भला हो उस प्रधान जी का कि पुलिस को खाना नहीं खिलाया, अन्यथा योगी जी की भदोही पुलिस दुम दबाकर छिपकर बैठा दाऊद इब्राहिम को अपने कखौरी में दबाकर भदोही ले आती। जानिए क्या है यह पूरा मामला। दरअसल प्रधान जी का नाश्ता खाकर ताकतवर हुई औराई पुलिस, जहां औराई के द्वारिकापुर में चकरोट के नाम पर एक गरीब का आसियाना उजाड़ने का मन बनाया। अपने स्तर से प्रधान जी जब गरीब का आसियाना उजाड़ने में नाकाम हो गए, तो नाश्ते वाली औराई पुलिस का सहारा लिया। पहले प्रधान जी औराई पुलिस को अपने यहाँ बुलाकर जलपान कराया। जलपान कराते ही औराई पुलिस ताकतवर हो गई और धमक पड़ी गरीब का आसियाना उजाड़ने। आसियाना उजड़ता देख गरीब परिवार ने पुलिस का जब विरोध किया, तो बस क्या था, प्रधान जी का नाश्ता खाकर ताकतवर हुई औराई पुलिस। गरीब परिवार को लात घूसों से मारना पीटना शुरू कर दिया। गरीब परिवार की फुलवासी देवी ने औराई पुलिस की प्रताड़ना व क्रूरता की शिकायत एसपी भदोही से भी की है। दिए गए शिकायती पत्र में फुलवासी देवी ने आरोप लगाया है कि प्रधान के इशारे पर आसियाना उजाड़ने पहुंची औराई पुलिस ने उसकी बहू रानी देवी व पुत्र को मारा पीटा, जिससे पुत्र को जहां सिर में चोटें आई, वहीं बहू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बेटे के सिर से खून निकलता व बहू को बेहोश होता देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस सभी को औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस की मार से बेहोश हुई रानी देवी को कई घंटों के बाद होश आया। एसपी भदोही से भी जब शिकायत के बाद बात नहीं बनी, तो आज मंगलवार को पीड़ित परिवार औराई तहसील गेट पर प्रदर्शन करने पहुंच गया और डीएम को बुलाने की मांग पर अड़ा रहा। साहब दुगरकिया पुर हमार घर है, फुलवासी हमारा नाम है, इनका रानी नाम है। हमन फोर्स दू गाड़ी गई, हमके साहब हमारे पतोहू के हमके घर राय के मार के और पतोहू के लेटी दूठे पुलूस मुन्ना दरोगा चाथे लपट के ओके घर राय कुछ दूरी ले यान साहब गिराए दे हैं, झटका मुके झटक के गिराए दे हैं, बेहोश आए दे हैं। तो हम कहा साहब ले बेहोश हो गया वे जिन बैठाओ, लड़किया के हमारे एक हाथ मार के बैठाए दी और आई थाना। अच्छा। और आई थाना है तब साहब यही पर लेडीज पुलूस और पुलूस लाख कर लपटिया गाड़ी में बैठाए दे साहब। साहब यह रहा कि हमार जमीन है, हमारे जमीन में नाला ले जाते हैं और साल भर से हमन के परेशान करते हैं साहब। तो हमन कहा कि जहाँ चकरोट हो साहब वहाँ नाला ले जा और हमारे जमीन में नाला जिन ले जा और घर बनाब पत्रा धराब साहब, पत्रा धराब और चूल्हा चौका इन्हें लकड़ी कुल वही बा और हमन जा रहे नहीं दी है।